बड़वानी कोतवाली पुलिस ने रात्रि में वाहन चालकों से अवैध वसूली करने वाले कुल 7 बदमाशों के विरुद्ध कार्यवाही कर FIR दर्ज की और एक आरोपी गिरफ्तार है। अन्य की तलाश जारी है। बड़वानी रात्रि में वाहन चालकों से अवैध वसूली करने वाले गिरोह पर पुलिस ने कार्यवाही कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अवैध वसूली की मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने एक दल गठित किया था, जिसने शहर के सभी मार्गों पर मुस्तैदी से छिपकर भ्रमण किया और रात्रि में आने जाने वाले संदिग्धों पर कड़ी निगरानी रखी। तभी जयपुरी स्कूल के पास बाईपास रोड बड़वानी पर भ्रमण के दौरान देखा तो 7 व्यक्ति 2 बड़े वाहनों को रोक कर उनके चालकों के साथ बहस करते हुए दिखे। जब उक्त पुलिस टीम वाहन के पास तस्दीक हेतु गई तो वह सभी अवैध वसूली करने वाले व्यक्ति पुलिस को देख कर भाग गए। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। ये जैसा कि विदित है, अभी कुछ दिन पूर्व जो है शिकायत मिली थी कि रात को करीब 10-11 बजे 12 बजे करीब 6-7 लड़के जो है बाईपास कुच्ची बाईपास रोड पर किसी गाड़ी आइसर गाड़ी को रोके थे, जिसमें भैंस भरी हुई थी और उससे करीब इन्होंने 30,000 रुपये की मांग की थी। तो जो गाड़ी ड्राइवर था उसकी शिकायत पर से ये मामला पंजीबद्ध हुआ था और पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। उसमें जो सागर है, जो एक मुख्य सहयोगी है इस गैंग का, मुख्य सेकंड मास्टरमाइंड बोल सकते हैं, इसको हमने जो है कल गिरफ्तार कर लिया है और इससे अभी और पूछताछ की जा रही है इसके कौन अन्य साथी है और उनकी तलाश करके जल्द उनको गिरफ्तार करेंगे। और ये आरोपी को आज हम पूछताछ करने के बाद फिर इसको न्यायालय पेश किया जाएगा। सर, पूर्व में भी ऐसी घटनाएं कर चुके हैं, कुछ सामने आया बात? ये मुझे लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि ये लोग जो है विशेष रूप से शुक्रवार को जब बाज़ार होता था मानावर का, तो वहाँ से जो भी पशुओं की गाड़ी आती थी तो लोगों के द्वारा शिकायत की गई थी कि ये टीका लगा के जाते और एक संगठन विशेष का सदस्य बताकर उनको डराते थे, धमकाते थे और उनसे अवैध वसूली किया करते थे। तो ये शिकायत मेरे पास थी और मैं लगातार वाच कर रहा था और अभी सही मुखबिर की सूचना मिली, उस आधार पर इनको फिर सब इनका पूरा पर्दाफाश हो गया। इनके जो गैंग है पूरे सभी लोगों के बारे में जानकारी हुई है और इनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जा रही है ताकि भविष्य में इस टाइप से हरकत ना करें। सर, कितने लोग हैं और अभी कितने हिरासत में हैं और कौन कौन सी धाराएं हैं? इसमें धारा 327 और धारा 384 जो अवैध वसूली और मारपीट करके पैसे वसूल करने से संबंधित है और इसमें इसके 6 से 7 साथी और बताए जा रहे हैं। अभी इसने 4 साथियों के नाम बताए हैं और जब अन्य और आरोपी गिरफ्तार होंगे तो जब और भी नाम पता हो खुलासा होंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।